मीन राशि के जातकों के लिए सितंबर से दिसंबर 2024 का बचा हुआ समय इस साल का कैसा रहेगा, हमने वैदिक ज्योतिषाचार राधिका श्री से इस बारे में जाना। पांच प्रमुख क्षेत्रों में आपका समय कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। प्रेम, मीन राशि के जातकों के लिए प्रेम जीवन इस समय सकारात्मक रहेगा। सितंबर में आपके रिश्ते में गहराई और भावनात्मक संबंध बढ़ेगा। अक्टूबर में आप अपने साथी के साथ अच्छे संवाद और समझदारी से रिश्तों को बेहतर बना सकते हैं। नवंबर और दिसंबर में प्रेम जीवन में स्थिरता आएगी और आप साथी के साथ आनंदमय समय बिता सकेंगे। नौकरी के मामले में मीन राशि के जातकों के लिए समय सकारात्मक रहेगा। सितंबर में आपको नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। अक्टूबर में आपकी मेहनत का फल मिलेगा और आपके सहकर्मियों के साथ संबंध बेहतर होंगे। नवंबर और दिसंबर में नौकरी में स्थिरता बनी रहेगी और आप अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते रहेंगे। व्यवसाय करने वाले मीन राशि के जातकों के लिए यह समय थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है। सितंबर में व्यापार में कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन अक्टूबर में स्थितियों में सुधार होगा। नवंबर और दिसंबर में व्यापार में विस्तार के कई अवसर मिल सकते हैं और साझेदारी से लाभ होने की संभावना है। विवाहित जीवन के लिए यह समय शुभ रहेगा। सितंबर और अक्टूबर में आप अपने जीवन साथी के साथ प्रेम और सामंजस्य महसूस करेंगे। नवंबर में परिवार के साथ कुछ वैल्यू समय बिताने का अवसर मिलेगा। दिसंबर में वैवाहिक जीवन में स्थिरता और संतुलन बना रहेगा। और अंत में धन, मीन राशि के जातकों के लिए यह समय आर्थिक रूप से शुभ रहेगा, अच्छा रहेगा। सितंबर में धन आगमन के नए सोर्स मिल सकते हैं। अक्टूबर और नवंबर में आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और जो पुराने निवेश आपने किए हुए हैं उसका लाभ मिलेगा। दिसंबर में आप अपने धन को सही दिशा में मैनेज करने में सफल रहेंगे। मीन राशि के जातकों का जीवन के इस साल के बचे हुए समय के लिए हमने यह ज्योतिषाचार राधिका श्री से बात करके कुछ बिंदुओं को आपके सामने प्रस्तुत किया है। आप अगर इस यात्रा में अंत तक बने रहे तो हमें खुशी होगी। हम आपके जीवन में कुछ वैल्यू को जोड़ पाएंगे, कुछ स्थितियों में सुधार की संभावनाओं से आपको कुछ राहत दिला पाएंगे तो हमें खुशी होगी। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर बराबर हमारी सूचनाओं की प्राप्ति चाहते हैं तो घंटी को भी बजा दें, घंटी को भी प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन ऑन हो जाए और हमारे पोस्टों की सूचना आप तक बराबर पहुंचती रहे। अरुण का सादर अभिवादन।